DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. तहसील थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त दो आरोपी को 5.6 ग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर, मेफ्रोड्रोन और दो पहिया वाहन सहित करीब 1,47,000 रुपए के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में औलिया नगर बड़ा ताजबाग निवासी अरशद अकबर सैयद उम्र 22 वर्ष और हसनबाग निवासी 21 वर्षीय जुनैद अफसर खान शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार तहसील पुलिस को 7 से 8 मई की दरमियानी रात गुप्त सूचना मिली कि डागा अस्पताल के पास गांजाखेत चौक के पास कुछ लोग एमडी ड्रग्स पाउडर लेकर आने वाले हैं। पुलिस ने गांजाखेत चौक के पास जाल बिछाकर आरोपी अरशद अकबर सैयद और जुनैद अफसर खान को धर दबोचा। दोनों आरोपियों की तलाशी के दौरान उनके पास से 16,800 रुपए का 5.6 ग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर, दो मोबाइल, दो पहिया वाहन व एक्सिस 125 मोपेड वाहन सहित करीब 1,47,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत NDAPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों का पूरा रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। तहसील के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिरुद्ध पुरी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। डीबी पथकाचे कर्मचारी अधिकारी ही रात्री गस्त करीत असताना त्यांना गोपनीय बातमीदारे माहिती मिळाली की दोन तरुण जे आहेत ते एमडी विकण्यासाठी हद्दीत आलेले आहेत। त्यामुळे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सापळा रचला आणि सापळा रचून दोन जणांना ताब्यात घेतला। त्यांची झडती घेतली असता त्यांच्याकडून 5.6 ग्राम MD मिळून आली। त्यावरून त्या दोघांना अटक करण्यात आली। त्या दोघांकडून दोन मोबाईल आणि दोन बाईकसुद्धा जप्त करण्यात आला। एकूण सुमारे 1.5 लाखाचा मुद्देमाल यात जप्त करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। डागा हॉस्पिटल समोरचा हा भाग आहे, तिथे ही कारवाई करण्यात आली। API मुसळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार शाहू आणि त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केलेली आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट। एनरोल नाउ फॉर मोर डिटेल्स कॉल